हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल एनालिसिस की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ वोकैब्स के वर्ड्स लिए हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस किया है। पहला वर्ड है रिकन। रिकन का मतलब होता है गिनना। इसके सिनोनिम्स इस प्रकार हैं: थिंक, बिलीव, सपोज, इमेजिन, अज्यूम, कंसिडर, होल्ड, रेट, अकाउंट, एक्सपेक्ट। कुछ एंटोनिम्स हैं जिसका एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि अबंडन, कैंसल, डिसबिलीव, डिसप्लेस, डिसरिकार्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई रिकॉन दैट वी विल हैव टू लीव अर्ली। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलिए अब अगले वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे का मतलब होता है मैदान। इसका यहाँ पे मैदान का मतलब ग्राउंड नहीं है, मैदान का मतलब यहाँ पे स्ट्रगल से है। इसके कुछ सिनोनिम्स इस प्रकार हैं: बैटल, स्ट्रगल, फाइट, एफर्ट एंड थ्रोज। कुछ एंटोनिम्स हैं: प्रिस्टाइन, न्यू, नीट, वेल केप्ट, वेल टू डू, ग्रैंड, इम्पोजिंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल। शी एंटर्ड द फ्रे एट लेटर स्टेज। दैट मीन्स वो आखिरी स्टेज में या बहुत देर से मैदान में आई, मतलब इलेक्शंस के टाइम पे मैदान में वो बहुत देर से आई। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीच्ड। इम्पीच्ड का मतलब है दोषी ठहराना। इसके कुछ सिनोनिम इस प्रकार हैं: इनक्रिमिनेट, इनकल्पेट, फाइंड गिल्टी, चार्ज। एंटोनिम्स हैं फॉरगिव, एक्सक्यूज, पार्डन, रेमिट, चैंपियन, स्ट्राइव। एग्जांपल: प्रेसिडेंट आल्सो हैव बीन इम्पीच्ड ट्वाइस बाय कांग्रेस। इसका मतलब प्रेसिडेंट को दो बार कांग्रेस के द्वारा दोषी ठहराया गया। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है स्विंग। स्विंग का बेसिक मीनिंग है, या जिसको कहेंगे बेसिक मीनिंग झूला होता है। इसके दूसरे मीनिंग भी होते हैं, जैसे सिनोनिम्स में आप देख रहे हैं स्वे, ऑस्किलेट, रॉक, वाइब्रेट, फ्लक्चुएट, वेवर, अनड्यूलेट। एंटोनिम्स होते हैं इसके शट, लॉक, फैसन, बार, सील, फोल्ड, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट। एग्जाम्पल: दे वर अचीविंग अ स्मॉल स्विंग अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। यहाँ पे इसका मतलब है किसी चीज़ का ऊपर नीचे होना, जैसे कि उनको इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ अप एंड डाउन रिजल्ट्स मिले हर स्टेट्स में। ट्राइफेक्टा। ट्राइफेक्टा का मतलब होता है तिकड़ी, मतलब किसी चीज़ का, तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन, जैसे थ्रीसम, ट्राई, ट्रिनिटी, ट्रायो, ट्रिपल, ट्रिलिप, ट्रिपलेट। एंटोनिम होते हैं नो ट्रबल, नो वरीज, नॉट अ प्रॉब्लम, नथिंग टू वरी अबाउट, ओपननेस, पेननेस, प्लेननेस, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रोसीजर वेंट ऑन स्मूथली, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं: एवीरा मिस द ट्राइफेक्टा बाय हंड्रेड ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट। मतलब एवीरा जो है एक लड़की है और जिसने 100% पॉइंट को तीन बार मिस कर दिया। यहाँ पे ट्रैफिकटा का मतलब होता है तीन बार। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।